जाति आधारित गणना सबका कौन कितना है और किसकी आर्थिक स्थिति है ये हो जाएगा। हम जाति आधारित खाली गणना करेंगे लेकिन जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति को भी जानेंगे, चाहे कोई जात का हो, तभी ना उनके विकास के लिए हम लोग आगे काम कर पाएंगे। सभी पार्टी के लोग ना गए मिले थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, सब पार्टी के लोग ना बैठ करके हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, सब लोग बैठ करके तय किए कि जाति आधारित गणना से इतना बात सब और उसके साथ उनकी जात और दूसरा आर्थिक स्थिति जो अपना राज्य में हो जाएगा ना, तब बाकी सब लोगों को लगेगा कि इसी तरह से सही मायने में फर्क कि भाई यहाँ पर जो रहते हैं आप उनके जात के बारे में या किसी चीज के बारे में नहीं, क्यों नहीं, इस बार तो जब होगा सबका जाना जाए। अपना विकास करते हैं तो आर्थिक विकास तो बढ़िया ना रहा है कि बिहार का आर्थिक विकास दर 10.98% हुआ, तो इतना गरीबी है, तो गरीबी को दूर करना है तो अभी अपना मेहनत से हम लोग कर रहे हैं, अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो आज बहुत आगे हम लोग बढ़ जाते, यही रहे और देंगे भी। और एक तो जो नया हम लोगों ने शुरू कर दिया है, सर्वसम्मतिया से ना शुरू किए भाई, जाति आधारित गणना, सभी पार्टी के लोग ना गए मिले थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, सब पार्टी के लोग ना बैठ करके हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि भाई पूरे देश का होना चाहिए, सब पार्टी के लोग गए थे सुन लिए, लेकिन बाद में उन लोगों ने कह दिया कि देखिए हम देश भर में तो नहीं करेंगे, अगर आप लोगों को लगे तो करिए, तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया ना भाई, सब लोग बैठ करके तय किए कि जाति आधारित गणना से इतना बात सब लोगों से हुआ और उसी के आधारित से जाति आधारित गणना हम लोगों ने शुरू कर दिया। और आपको हम बता दें कि 21 जनवरी 2023 तक एक प्रथम चरण में हम लोगों ने हर घर को देखने के लिए, अब वो करके उसका नंबर उम्बर लेकर के आप जानते ही हैं, लिखा एक काम हो गया और दूसरा काम एग्जैक्टली लोगों का नाम और उसके साथ उनकी जात और दूसरा आर्थिक स्थिति, ये तो हम लोग शुरू से ना कह रहे थे भाई कि जब तक हम लोग एक खाली करेंगे जाति आधारित खाली गणना करेंगे लेकिन जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति को भी जानेंगे, चाहे कोई जात का हो, तभी ना उनके विकास के लिए हम लोग आगे काम कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके एक तो हो जाएगा जाति आधारित गणना, सबका कौन कितना है और किसकी आर्थिक स्थिति है ये हो जाएगा, हमको लगता है जो हमने फिर इधर रिव्यू किया है आई लोग फिर और तेजी से करके हमको तो बता दिया है कि मई तक ये पूरा का पूरा काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जान लीजिए कि जो अपना राज्य में हो जाएगा ना, तब बाकी सब लोगों को लगेगा कि इसी तरह से सही मायने में फर्क, तो कोई चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी आप कह रहे थे, बात आ रही थी कि कोई भाई हम सुन रहे थे, विधान परिषद में भी कोई बोल रहे थे, कहीं कहीं बोलते रहते हैं कि भाई यहाँ पर जो रहते हैं आप उनके जात के बारे में या किसी चीज के बारे में नहीं, क्यों नहीं, इस बार तो जब होगा सबका जाना जाएगा, कोई बाहर के भी लोग आके यहीं रह गए हैं तो उनका कैसे नहीं जानेंगे हम लोग, तो उसको कैसे नहीं सबकी गिनती करेंगे, तो इसलिए जो यहाँ पर है तो सब हम लोग कर ही रहे हैं। और तब देख करके तय ना होगा भाई कि आखिरकार वो कोई बैकवर्ड में और होना चाहिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा है तो क्यों नहीं उस पर विचार बाद में किया जाएगा, तो इसलिए उन सब चीजों पर तो सब हो ही रहा। और आपको मालूम है ना हम लोग बैकवर्ड में, अति पिछड़ा में, सब में कई जगह के लोगों को और शामिल किए, तो हम लोग तो चाहते ही है कि सबका विकास हो, तो इसीलिए हम लोग ये भी काम जाति आधारित जनना का सभी का काम है, तो इसमें सब कुछ को और बिल्कुल जो है कि सारे लोगों का विकास का काम हो, तो इसको भी सब चीज की गिनती गिन रहे हैं, तो इस सब के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए अब आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि और इसके बाद हम लोग जो कर रहे हैं कि भाई आर्थिक विकास जो है, तो अब आप जानते हैं ना अभी जो रिपोर्ट आया, अब तो आर्थिक विकास का रिपोर्ट तो अब दिखवे ना किए हैं, तो हम लोगों के यहाँ तो इतना गरीबी है तब भी हम लोग जो अपना विकास करते हैं तो आर्थिक विकास तो बढ़िया ना रहा है जी। और सबसे पहले तो 2009 में ना आया था कि हम लोग काम करना शुरू किए, तब इस बार का तो रिपोर्ट आया है कि बिहार का आर्थिक विकास दर 10.98% हुआ, अब सोचिए और देश भर का है 8.68%, अब सोच लीजिए
तो इसलिए आप ऐसे तो करिएगा कि हमारा विकास दर तो हो रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय तो अभी हमारा बिहार में सबसे कम है, सबसे पिछड़ा राज्य है, तो प्रति व्यक्ति आय है अभी 54,383 रुपया और देश भर का जो है औसत 1,50,000। तो हम लोग तो इसलिए ना मांग करते रहते हैं कि भाई इसको मिलना ना चाहिए विशेष का दर्जा, तो इतना गरीबी है तो गरीबी को दूर करना है तो अभी अपना मेहनत से हम लोग कर रहे हैं, तब भी अब देख लीजिए कि इतना बढ़ने पर आर्थिक विकास दर बढ़ने पर भी अभी हम लोगों का क्या हालत है, तो अभी तो इसको बढ़ाना है, तो इसीलिए हम लोग तो सबको चाहते ही हैं अब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो आज बहुत आगे हम लोग बढ़ जाते। अब इतना ज्यादा आप जानते हैं जो हम लोग बजट रख रहे हैं तो गौर करके देखिए, लास्ट ईयर ही आया था कि पिछले साल ही बजट में हम लोग 5वें नंबर पर थे, तो अब इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, हम लोग हैं पिछड़े राज्य में और सब मेहनत कर रहे हैं, हमारी आबादी इतना ज्यादा है और सबके बावजूद तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, इसलिए हम तो सबको कहेंगे कि भाई एक बार कोशिश कर लीजिए। अब आप हम बोलते हैं तो ऐसा थोड़ी आज से बोल रहे हैं, भूले गए 10-11 कितना आंदोलन कराए, सब कुछ किए, सब लोग को पता ही नहीं है जी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, अगर मिल जाए तो बड़ा लाभ होगा इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए सब मत कहिए हम विशेष राज्य का दर्जा बोलते हैं तो कहते हैं कि केंद्र सरकार इतना दे रहा ही नहीं, उससे होगा क्या कि राज्य सरकार का शेयर जो है केंद्र की योजनाओं में, केंद्र का 90% और राज्य का 10%, तो इसमें आपका पैसा जो बचेगा उसी में और ज्यादा आप आगे बढ़ा दीजिएगा विकास का काम, तभी ना आपका सब कुछ बेहतर हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग अभी शराब बंदी के बाद